स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पे, उसके मेथड्स पे हमने बातचीत की थी और उसके मेथड्स पे उसकी ग्राफिंग पे हमने बात की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स कौन से होते हैं और उसकी ग्राफिंग कैसे की जाती है। आज हम उसको सोल्व कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स होंगे आज हम उनको सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड है इसे हम क्या कॉल करते हैं फैक्टराइजेशन, और हमारे पास जो सेकंड मेथड है उसे हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और हमारे पास जो थर्ड मेथड है उसे हम क्या कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। फर्स्ट के मेथड के हमारे पास फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर वन में एक्स के जिस पॉलीनोमियल की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट 2 होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन बेसिक क्वेश्चन, कि आपके पास इक्वेशन होती है जब भी दो नंबर्स, ये पूरे का पूरा एक पॉलीनोमियल है और ये कांस्टेंट नंबर है, इनके दरमियान में या आप ये कह रहे हैं कि टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सेंटर में एक वैलिडिटी का साइन आ जाए, बराबरी का साइन आ जाए, तो सब ये कहते हैं इक्वेशन कहते हैं। टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज्वाइनिंग द टू इक्वालिटी साइन इज नाउन एज इक्वेशन, सब ये कहते हैं इक्वेशन कहते हैं। अब कोफिशिएंट्स है किसी भी पॉलीनोमियल के, कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं। एक्स के का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 7, और ये हमारे पास जिसके साथ वेरिएबल ना हो, बेसिक क्वेश्चन। एक्स एक वेरिएबल के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और एक्स एक वेरिएबल के तौर पर है और जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट, उसे हम क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट नंबर कहते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखें इसका स्टूडेंट्स, अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, अप्लाई करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड। आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, एक्स के तो कोएफिशिएंट थे 1, 1 को हमने लास्ट नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब हमने 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा 10। 1 एक ऐसी आइडेंटिटी होती है, 1 एक ऐसी आइडेंटिटी है कि आप उसको जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें एज इट इज सेम वही आंसर है। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें एज इट इज वही नंबर आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम इसका एलसीएम लेंगे 10 का, हम 10 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। बेसिकली फैक्टराइजेशन जो मेथड है इसको जो सेकंड नेम इसका क्या है मिड टर्म नेम, इसकी जो सेकंड नेम है इसका क्या नाम है मिड टर्म नेम। हमने करना क्या है कि हमने सेंटर वाली वैल्यू को ब्रेक कर, हमने सेंटर वाली वैल्यू को क्या करना हमें ब्रेक कर, ठीक है। अब देखिए हम इसका एलसीएम लेते हैं 10 का, हम 2 को 5 से 10 और 5 1 से ऐड करने से सेंटर वाली वैल्यू आए, कंडीशन ये है हमने मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन में कि ऐड करने से सेंटर वाली वैल्यू आए और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से कॉन्स्टेंट नंबर है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे पास 7 आ जाए और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास दोबारा 10 आ जाए। जरूरी नहीं है कि टू नंबर्स ही हो, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, ठीक है। वो किस कंडीशन पे होगा हमारे पास, ये हमारे पास जो सेंटर वाली वैल्यू को सेटिस्फाई करे करता है कि नहीं करता। अगर मैं 2+5 करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं 2+5 कर दूँ तो मेरे पास 7 आ जाएगा, अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास 10 आ जाएगा। एक्स के प्लस 2x+5x, अगर वैसे आप सोचें ना 7x है, अब मैं 2 को 5 में ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 7x, क्या आ जाता है हमारे पास 7x आ जाता है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स आप गलतियाँ करते हैं, वो गलती क्या है मिसाल के तौर पर 2x+5, अक्सर स्टूडेंट्स आप करते क्या है कि 2 को 5 में ऐड कर कर आप एक्स का स्क्वायर कर दें, इमीडिएटली स्टूडेंट्स ये नहीं करना। आपने करना क्या है इसको ऐड कैसे करते हैं, जब भी वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड करते हैं स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जब भी वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड किया जाता है तो स्टूडेंट्स उसके कोफिशिएंट को ऐड किया जाता है, उसके कोफिशिएंट का फर्क पड़ेगा, उसका जो वेरिएबल होगा उस पर कोई फर्क नहीं, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके कोएफिशिएंट ऐड हो रहे हैं 2+5 7, या इससे भी आसान एक मेथड है स्टूडेंट्स आप वो देखें 2x+5x। स्टूडेंट्स यहाँ से क्या डिस्कवर आ रही है,
एक्स, अंदर क्या रहेगा हमारे पास टू प्लस वन, एक्स एज इट इज आ गया, टू प्लस फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा सेवन, तो आप इसको लिख सकते हैं सेवन एक्स। आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक्स वेरिएबल कॉमन आ रहा है, एक्स वेरिएबल कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच गया एक्स प्लस टू। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ से कॉमन लिया फाइव, जब हम यहाँ से फाइव कॉमन लिया अंदर हमारे पास मेनी क्या रह जाएगा एक्स प्लस टू। फैक्टराइजेशन की लास्ट कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट्स में नंबर्स हो, ब्रैकेट्स में जो भी पॉलीनोमियल हो वो हमारे पास सेम होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए हमेशा सेम होना चाहिए। एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू भी जीरो के इक्वल है और एक्स प्लस फाइव भी जीरो के इक्वल। अब एक्स पॉजिटिव, एक्स प्लस टू पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव की साइड साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव प्लस फाइव की साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये एक ऐसा पॉलीनोमियल है स्टूडेंट्स, याद रखें ऐसा पॉलीनोमियल है एक्स प्लस टू कि जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, अरे आपको बताया था कि जहाँ पे वेरिएबल की पावर वन हो गई इज नाउन एज लीनियर पॉलीनोमियल या लीनियर इक्वेशन के, उसे क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये प्लस टू साइड पे जाके नेगेटिव, अब माइनस टू के अलावा आप इस x में जो मर्सी नंबर पुट करते आंसर जीरो नहीं आएगा, आप x की जगह पे थ्री पुट करें प्लस थ्री पुट करें तो आंसर क्या आएगा थ्री प्लस टू फाइव, फाइव इक्वल टू जीरो। ये मैथमेटिक्स रूल्स में नहीं है कि फाइव जीरो के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। x को आप माइनस टू पुट करें, माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि इस पॉलीनोमियल को सिर्फ और सिर्फ माइनस टू सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज आप जो मर्जी नंबर पुट करें पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर डेसिमल पॉजिटिव डेसिमल नेगेटिव पुट करें इस पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एज वाई एक्स की जगह पे हम माइनस वाई लिखेंगे तो आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज आंसर जीरो नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम हमारे पास उसके जो कोफिशिएंट हो वो ना हो, उसके जो कोफिशिएंट हो मींस एक्स के का जो कोफिशिएंट है वन है इसको हम ए कहते हैं, एक्स का कोफिशिएंट सेवन है इसको हम बी कॉल करते हैं, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स वो कॉन्स्टेंट है, वो क्या चीज होती है कॉन्स्टेंट होती है। अच्छा फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी सी एर माइनस फोर ए सी स्केयर रूट ओवर टू ए। हमने करना क्या है, हम ए बी सी का आंसर इस पूरे फॉर्मूले में पुट आउट करते हैं, बी की जगह पे उसका आंसर, ए की जगह पे उसका आंसर और सी की जगह पे उसका आंसर है। अब देखिए माइनस सेवन एन एज आ गया सेवन का स्केयर, सेवन का स्केयर क्या होता है स्टूडेंट्स फोर्टी नाइन, सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करें फोर्टी नाइन। अब फोर को वन से फिर वन आ गया, हमने यहाँ पर बात की थी कि वन एक ऐसी एंट्री है जिसको जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही आंसर है, फोर को वन से मल्टीप्लाई किया फोर, फोर को टेन से मल्टीप्लाई किया फोर, फोर्टी माइनस फोर्टी करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा सेवन आंसर नाइन आंसर आ जाएगा। अब स्केयर रूट नाइन, स्टूडेंट्स मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो आपने गौर से समझ लें, इसको अक्सर जो स्टूडेंट्स आप क्या पढ़ जाते हैं अंडर रूट, ये अंडर रूट नहीं है स्टूडेंट्स, इसका नाम अंडर रूट नहीं, इसका नाम स्केयर रूट, मैथमेटिक्स में इसको स्केयर रूट बोल करते हैं, अंडर रूट। स्केयर रूट नाइन का आंसर क्या होता है, अब ये प्लस माइनस अल्टरनेट साइन, एक पॉजिटिव का साइन अल्टरनेट क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव का साइन अल्टरनेट क्या होगा पॉजिटिव। हमने स्टूडेंट्स एक दफा इसको पॉजिटिव में सोल्व करना और एक दफा हमने इसको नेगेटिव में सोल्व करना, प्लस थ्री लिखा माइनस सेवन प्लस थ्री का आंसर क्या होता है माइनस फोर, माइनस फोर, माइनस फोर को टू पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा माइनस टू। उसके बाद ये नेगेटिव है, हमने नेगेटिव के तौर पर काम करना है, माइनस सेवन माइनस माइनस सेवन माइनस थ्री का आंसर क्या होता है माइनस टेन, और माइनस टेन को आप टू पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस फाइव। अब लास्ट मेथड है कंप्लीटिंग स्केल, इंशाल्लाह तआला तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्केयर। थैंक यू सो मच।